हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही कई प्रश्नों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनका आंसर जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टार्टेरिक अम्ल, जो कि इमली में पाया जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, सेब में जो पाया जाता है वो है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों खट्टे पदार्थ हैं और इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उनमें पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, जो टमाटर होता है उसमें पाया जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारा जो अमाशय होता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है, अमाशयिक रस पाया जाता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जो अम्ल पाया जाता है वो दोनों टैनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, टैनिक अम्ल चाय और कॉफी दोनों में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत होता है खट्टा पदार्थ, लेकिन विटामिन सी में जो अम्ल पाया जाता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, उसमें पाया जाने वाला अम्ल है फार्मिक अम्ल। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, जो अंगूर होता है उसमें पाए जाने वाला अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, दूध और दही में दोनों एक ही अम्ल पाए जाते हैं दोनों में, वो है लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। 12वां प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिच्छू का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक में। और 13वां प्रश्न है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है यूरिक अम्ल। तो दोस्तों, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। लास्ट प्रश्न है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, खट्टे फल जो होते हैं उनमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे फल होंगे सभी में सिट्रिक अम्ल पाए जाएंगे। आई होप दोस्तों